अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चटनी, जो कि सैंडविचेस वगैरह में और उस ऐसे सादी भी खाने के लिए यूज़ होती है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप धनिया और 4 से 5 हमें बंच ले लेने हैं पुदीने के, 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 मीडियम लहसुन, 1 टेबल स्पून लेमन और हसबे जायका नमक। तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने इसमें डाल लिया सब, और ये इसमें मैंने तकरीबन जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने आपको लेमन जूस बताया था, और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। तो इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि वो नीचे फंसे नहीं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नमक मैंने अभी इसमें नहीं डाला है। हमें इसका थिक सा पेस्ट तैयार करना है। ये हो गई है, ये देख लीजिए कितनी गाढ़ी है। अब इसमें ये पिस गई है, तो इसमें नमक डाल लें हसबे जायका। मैं इसमें डाल के 1 टीस्पून के करीब, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, चेक कर लेंगे इसको, हेबेक्स कर लें। ये मैंने इसको 1 टीस्पून नमक निकाल के रखा हुआ था जो मैंने डाला है, तो ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से, कोई नमक तेज़ होता है कोई कम। तो ये पूरा भर के मैंने डाला है, ये वाला चम्मच, ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ये इतनी गाढ़ी हमें चाहिए। तो ये आपकी धनिया पुदीने की चटनी तैयार है, जो आप सैंडविचेस में भी लगा सकते हैं, रोटी में से भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी सैंडविच टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं। आई होप यू एंजॉय इट। ये गार्लिक है हमारे पास, इसमें हमने क्या कहते हैं 6 जवे लिए हैं गार्लिक के, और फाइनली चॉप कर लिए। ये 6 जवे हैं जो मैंने लिए हैं, इसको फाइनली चॉप कर लेना है। ये गार्लिक बटर बनाने जा रहे हैं हम, जो गार्लिक ब्रेड पे यूज होता है। इसके लिए आपको रूम टेम्परेचर पे बटर होना चाहिए, वो आप ले लें। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब सॉल्टेड बटर है ये, सॉल्टेड है। अगर बटर सॉल्टेड नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा सॉल्ट। मैं थोड़ा सा सॉल्ट और डालूंगी, तकरीबन 2 पिंच के करीब, क्योंकि ज़रा लाइटली सॉल्टेड है। और ये हमारे पास है पार्सले, ड्राई पार्सले है। अगर आपके पास है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, नहीं तो फिर आप इसमें सिलेंट्रो या धनिया भी चॉप करके डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर ये आप बना रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप इसको एक रात पहले बना के रख दें, इससे पूरा जो जूसेस वगैरह हैं वो बटर में आ जाएंगे। ये ओरिजिनल रेसिपी है, जिस तरह हम लोग होटलों में बनाते हैं या बेकरियों में। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, ये आपका गार्लिक बटर रेडी है। तो ये रेडी है, इसको मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूज कैसे करना है। अभी ये मैंने आपको सिर्फ क्विक रेसिपी दी है कि ये किस तरह गार्लिक बटर बनता है, और फिर ये यूज किस तरह किन चीजों पे होगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अनदर वीडियो में। थैंक्स। अब ये हम बनाने जा रहे हैं क्विक पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए 1/2 कप जो है वो टोमाटो लिया है, ये बॉईल करके उसकी स्किन रिमूव कर दी है, और उसके बीज और वो बाकी जो स्टफ है वो अंदर रहने दिया है। ये इस तरह है, आप चाहें तो इसको ब्लेंड कर लें, लेकिन इसकी विदाउट स्किन बॉईल करके ये इसमें निकाल लेंगे। इसको हमने चूल्हे पे रखा है, 1/2 कप है ये, मीडियम स्टोव पे हमने रखा है इसको। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे। बहुत ही क्विक है ये, जब कुछ भी ना हो तो। इसमें क्रश चिली है, वन टीस्पून डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे
हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हाफ टी स्पून ही डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब मिक्स हर्ब है, बासिल है, थाइम है, ओरिगानो है, ये डालेंगे इसके अंदर। बस आपने इतना लेना है कि वो एक ब्राउन शुगर है 1/2 टीस्पून, ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें व्हाइट विनेगर है, या फिर आपके पास कोई अंगूरी सिरका है वो डालेंगे, ये इसमें डालते हैं व्हाइट विनेगर। 1 टेबल स्पून के करीब व्हाइट विनेगर डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, मेरे पास गार्लिक ऑलिव ऑयल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी गार्लिक 3 से 4 जवे क्लोव्स लेके और वो चॉप करके इसमें मिला दें। 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने ये चॉप अनियन डाली है और इसको थोड़ा थिक कर लेंगे, इसको पका लेंगे। थोड़े से ये चंक्स जो हैं ये तोड़ने ही मैंने जान के रखे हैं, इसको थोड़ा सा पका लेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त इसमें बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, जो कि आपके पिज़्ज़ा में जो आप बेस लगाते हैं सिंपल, ये आपका पेस्ट है जो आप पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको हमें, ये आप देख लें हार्ड इसको पकते हुए 8 मिनट हुए। देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। मुझे इसी तरह चाहिए सॉस, ये बहुत ज़्यादा सुखाया नहीं जाता है। तो इसको हम प्लेट पे डाल के देखेंगे। देखिए हमें इसी तरह चाहिए, इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये रेडी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। इसी तरह हमने इसको बिल्कुल नहीं तोड़ा है और इसके चंक्स भी हैं। तो ये देखिए ये रेडी है, इसको आप ठंडा कर लीजिए, ये आपके फ्रिज में आप रखिए एयर टाइट लिड में, किसी शीशे के जार में रखिएगा, शीशे की प्याली में टाइट करके या जार में बंद करके, तो तकरीबन 4 से 5 दिन तक या आपके 1 हफ्ते भी पड़ा रहे फ्रिज में तो ये ख़राब नहीं होता। क्विक है ये, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।